हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, अभी तक आपने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ लिया है, तो फिर हम आगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग को स्टार्ट करते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में हमने बताया था कि ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद 1905 में ही करने के बाद लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल करने के बाद लॉर्ड मिंटो सेकंड वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में भारत आए। तो उसी समय उसी साल जो है फॉर्मेशन ऑफ मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। अब इसके जो मेन पॉइंट हैं वो हम बता रहे हैं। इसमें इसका ईयर आप ध्यान रखिएगा कि किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। अब देख लीजिए, ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने किया था, गेट हिज रियल गोल ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्पायर्ड। तो कर्जन ने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था उससे उसने अपना गोल को अचीव कर लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्पायर्ड थी मुस्लिम लोगों को इंस्पायर्ड की टू फॉर्म एनी मुस्लिम इंस्टीट्यूट अगेंस्ट INC। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसके अगेंस्ट हम कोई नया इंस्टीट्यूट बनाओ। मुस्लिमों को ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज लोग थे वो ब्रिटिशर्स को कहते थे कि एक इंस्टीट्यूट बनाओ। देन सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर, जो सलीम मुल्ला खान जो था वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों का क्या था, सपोर्टर था, ठीक है। उसने मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी उसमें मुस्लिम लीग को फॉर्म करने के लिए कहा गया, ठीक है। और उसी समय इनकी मदद से फॉर्म हुआ अगा खान और मुस्लिम उल मुल्क के द्वारा जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इन तीन लोगों का रोल था मुस्लिम लीग स्थापना में, सलीमुल्ला खान, अगा खान और मुस्लिम उल मुल्क के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आप सलीमुल्ला खान, अगर तीनों नौ लोग का नाम लिखा है तो आप उसमें एक आंसर पूछा है तो आप सलीमुल्ला खान लगाएंगे, अगर तीनों में से किसी का भी नाम दिया है तो आप टिक मारेंगे, ठीक है। कभी कभी सलीमुल्ला खान और अगा खान दोनों मिला के ही पूछ लिया जाता है कि किसने किया था, ठीक है। जो इसमें अगा खान थे इसके ये मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लखनऊ में था। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, ढाका में इस्टेब्लिश हुई थी। अब ढाका क्या हो गया था, आपको बताया था हमने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उसमें जो ईस्टर्न असम एंड बंगाल था उसकी कैपिटल क्या थी, ढाका। तो उसी ढाका में ही इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देन फिर जो लीग सपोर्टेड, जो ये मुस्लिम लीग थी ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रही थी और अपोज किसको कर रही थी, जो स्वदेशी मूवमेंट चला था डिमांड, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का अपोज करती। और ये इसने जो है डिमांड रखी थी स्पेशल सेफगार्ड टू इट्स कम्युनिटी, जो अपने समुदाय है मुस्लिम लीग जो है अपने समुदाय के लिए सेफगार्ड की डिमांड रखती थी, मतलब सुरक्षा उरक्षा की डिमांड रखती थी। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम मुस्लिम्स, ठीक है। इसको आपको हमने INC में बताया था जो सन 1909 में सेशन हुआ था उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था, तो उसी में ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, मतलब ठीक है, उसकी बात की गई थी। और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया मुस्लिमों के लिए और इसकी जो
मांग है वो लॉर्ड मिंटो सेकंड से की थी, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड से इसकी मांग कर रही थी। ओके देन जो ये लेड टू कम्युनल डिफरेंस बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। अब जो ये मुस्लिम लीग बनी थी इससे और क्या हुआ, इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में कम्युनल सांप्रदायिकता थी वो और बढ़ने लगी। मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड एंड गवर्नर हेल्प देम, ठीक है। अब मुस्लिम जैसे जैसे नेशनल कॉलेज बने थे और सब कॉलेज बन रहे थे, हिंदू कॉलेज बना रहा था, उसी तरह अब मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी बनाने लगे। और उसमें जो वहाँ के गवर्नर थे उस समय कौन था गवर्नर, लॉर्ड मिंटो सेकंड, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड क्या थे, वायसराय थे, वो सब इनकी अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स की जो है इन लोगों की मदद कर रहे थे, ठीक है। और जो ये सब मांग थी, डिमांड ऑफ सेफ गार्ड और कम्युनिटी सेपरेट इलेक्टोरेट और मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इन सब को क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, ठीक है। तो 1909 में क्या आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ लिया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था, तो वो 1909 में आया था। तो ये जो मिंटो तो आप जान रहे हैं, मिंटो सेकंड कौन थे, वायसराय थे, और मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी था, ठीक है, वो ब्रिटिश वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी था। तो दोनों लोग मिलके ही एक रिफॉर्म लाते हैं जिसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके बारे में थोड़ा सा भी हम आगे बता देंगे अगले वीडियोज़ में। ओके फिर फर्स्ट सेशन 1907 में कराची में हुआ। हम इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, उसके प्रेसिडेंट थे आदम पीर भाई। सेकंड सेशन 1908 में हुआ था अमृतसर में, सर सैयद इमाम थे, ठीक है। यही सिर्फ दो सेशन पूछे ही गए हैं क्वेश्चन में, इसके अलावा कहीं भी किसी भी पेपर में क्वेश्चन इसके इनसे नहीं, इनके अलावा नहीं पूछा गया। तो बस इन्हीं दो सेशन को याद करिएगा, कब हुआ था, कराची और अमृतसर में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, वो आगा खान थे, ठीक है, जब 1906 में बना था, ठीक है। और लंदन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है, लंदन में भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1908 में, ठीक है। अभी किसके द्वारा की गई थी, अमीर अली के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, अमीर अली, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। तो फिर हम सिर्फ जो ये फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है इसके लिए बस इतना ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा आप कुछ नहीं, बस इतना आप पढ़िए, इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि SSC JEE और UPPCS AE में सारे क्वेश्चंस आपको इसी से ही मिल जाएंगे। और फिर हम एक बार और आप लोग जो है इस वीडियो की PDF के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैकेनिकल ई लर्निंग क्लासेस, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप इस चैनल को भी ज्वाइन करिए क्योंकि आपको इसी तरह ही छोटे छोटे कम समय में ही आपको बहुत जानकारी दी जा रही है और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसी तरह के हम वीडियोस और भी लाएंगे जो कि सभी छोटे सभी टॉपिकों को कवर करेगा और इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट टाइप उसके पॉइंट्स हैं सभी को बताएंगे, और वो सभी पॉइंट आपके क्वेश्चन जो पेपर होने वाले हैं UPPCS AE SSC JEE और भी जो UP के कोई भी पेपर आप देंगे, ठीक है, आप उस पेपर में भी आपके ये टॉपिक पूरे पूरे कवर होंगे, खासकर जनरल स्टडी का। तो आप प्लीज़ इस चैनल को आप ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए।
और उसकी बाकी जो है हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करिए। चलिए फिर हम आज हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।